कलर्स टीवी पर आपके फेवरेट शो नागिन 2 की एंडिंग करीब है और अब सोशल मीडिया में चर्चा जोरों पर है कि नागिन 3 अगले 2-3 महीने बाद ही ऑन एयर हो जाएगा। ऑडियंस को नागिन सीरीज में मौनी रॉय बेहद पसंद है, मगर अदा खान की अदाएं भी दर्शकों को लुभाने में काफी हद तक कामयाब रही। अदा खान की निगेटिव रोल ने दर्शकों पर अलग ही छाप छोड़ी है और शो के मेकर्स भी अच्छी तरह जानते हैं कि शिवांगी अगर शो की जान है तो शेषा भी सीरियल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नागिन 3 के स्टार कास्ट की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं भी हैं। मगर सोर्सेज की माने तो शेषा यानी अदा खान नागिन 3 में होंगी। काली नागिन बनी अदा खान को नागिन की तीसरी सीरीज में भी रखा जाएगा, इसलिए शो के मेकर्स ने नागिन 2 की एंडिंग में शेषा के किरदार को जिंदा रखने की प्लानिंग की है ताकि वो नागिन 3 में भी काली नागिन यानी निगेटिव किरदार में नजर आ सके। वैसे चर्चा तो ये भी है कि अदा खान की एक्टिंग स्किल्स से प्रभावित होकर भी शो के मेकर्स उन्हें रिप्लेस नहीं करना चाहते। मेकर्स फिलहाल अदा खान के लुक पर काम कर रहे हैं। मेकर्स की कोशिश है कि अदा खान को नागिन के तीसरे सीजन में एकदम डिफरेंट लुक में पेश किया जाए। फिलहाल अदा खान के हेयर्स को रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, साथ ही वेस्टर्न ड्रेसेस में दिखाया गया है। अब शो के मेकर्स कुछ अलग लुक तलाश कर रहे हैं। वैसे अदा खान हर ड्रेस और लुक में शानदार ही लगती है। बाकी रही बात उनकी एक्टिंग की तो उन्होंने काली नागिन के रूप में खुद को बेहतर तरीके से पेश किया है और यही प्लस पॉइंट है कि नागिन 3 में अदा खान की एंट्री पक्की मानी जा रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।